हैप्पी मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ रहे हैं निगम प्रतिभूतियाँ, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ या निगम प्रतिभूतियों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी संस्था या कंपनी या कॉरपोरेट सेक्टर की पूंजी संरचना का ये अहम हिस्सा होती है, महत्वपूर्ण भाग होती हैं, क्योंकि कोई भी संस्था अपनी स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो प्रबंधन करती है, फाइनेंसिंग करती है, वो इन्हीं निगम प्रतिभूतियों के माध्यम से करती है, जिनको हमने प्रमुख रूप से पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, समता अंश, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश और ऋण पत्र। ये वो प्रतिभूतियां हैं जिसमें हम डेट इक्विटी रेशो भी डिसाइड करते हैं। समता अंश पूरी तरीके से स्वामी पूंजी कहलाती है, क्योंकि समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अधिमान अंश और ऋण पत्र ये दायित्व के रूप में है, ऋण पूंजी के रूप में है, जिनका भुगतान कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद या समापन पर आवश्यक रूप से करना होता है। तो इस तरह से ये ऋण पूंजी का हिस्सा है। तो स्वामी और ऋण पूंजी जिन प्रतिभूतियों के माध्यम से इकट्ठी या संग्रहित की जाती हैं, वे निगम प्रतिभूतियां हैं, जिनका प्रमुख रोल है या प्रमुख जो इनकी भूमिका है वो है स्थायी पूंजी का संग्रहण। अब इन तीनों को ही हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले आता है समता अंश, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को हम सामान्य अंश भी कहते हैं, स्वामी अंश भी कहते हैं और समता अंश भी कहते हैं। जैसा कि मीनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश में है, ए यूनिट ऑफ कॉरपोरेट ऑनरशिप इज ए शेयर और स्टॉक। कंपनी के स्वामित्व को व्यक्त करने वाली इकाई को अंश या स्टॉक कहा जाता है। अब एक्चुअली ये क्या है? कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई या स्वामी पूंजी की एक इकाई, ए यूनिट ऑफ कॉरपोरेट ऑनरशिप। जो भी व्यक्ति स्थायी पूंजी में विनियोग करना चाहता है, वो विनियोगकर्ता समता अंशों के द्वारा समता अंशधारी कहलाता है और कंपनी का स्वामी बनता है, ऑनर बनता है। ये वो अंश हैं जिनको खरीदने के बाद, जिनका क्रय करने के बाद उनके पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती, और ये वो स्वामी पूंजी है जिसको कि निर्गमित किया जाना हर संस्था के लिए पूंजी एकत्रीकरण के दौरान आवश्यक होता है, यानी स्वामी पूंजी के रूप में समता अंश क्रय किए जाते हैं। दूसरी ये रूप में हम देखें तो इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। समझ गए आप? समता अथवा साधारण अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिन पर लाभांश तथा समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्व अधिकार नहीं होता है। सभी जानते हैं ये बात कि ये वो अंशधारी हैं जो कि किसी भी प्रकार का पूर्वाधिकार नहीं रखते। किस रूप में? जैसे ही कंपनी आय अर्जित करती है, कंपनी का ईबीआईटी आता है, उस ईबीआईटी में लास्ट लेवल पर समता अंशधारी को दिया जाने वाला लाभांश होता है। यदि संस्था बहुत ही कम लाभ अर्जित कर रही है, तो ऐसे में यदि उसका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर का ही डिविडेंड हो गया और कुछ भी नहीं बचा, तो समता अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। इसी तरह यदि समापन के समय, वाइंडिंग अप के समय, यदि कंपनी को की पूंजी या संपत्ति में कोई भी शेष नहीं बचा है या कोई बैलेंस एसेट्स नहीं है, तो समता अंशधारियों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि समता अंशधारी एक सामान्य अंशधारी हैं और ये कंपनी के स्वामी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि इनके स्वामित्व को बताने वाला जो जो प्रतिभूति है वो कहलाता है समता अंश। इनकी विशेषताओं पर जाते हैं हम। समता अंशों की विशेषताएं या मेन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर वन, जोखिम पूंजी, रिस्की कैपिटल।
ये तो आप जानते हैं, इसको रिस्की कैपिटल क्यों कहा जाना चाहिए। उसका मुख्य दो ही कारण है बच्चों, क्योंकि इस पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी अंशधारी को नहीं करती, और जैसे ही कंपनी का समापन होता है तो उस समापन में भी सबसे पहला अधिकार ऋणपत्रधारी को यानी डिबेंचर होल्डर को, फिर यदि पूर्वाधिकार अंश भी हैं तो उनको, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, और शेष बची पूंजी पर ही उसका अधिकार समतांशों को दिया जाता है। तो समतांशधारियों के लिए कोई भी डेफिनेट रिफंडिंग नहीं है या रिडम्पशन नहीं है, इसलिए इसको रिस्की कैपिटल कहा जाता है। दूसरी बात है लाभांश की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए मैंने आपसे कहा ईबीआईटी हम जब देखते हैं तो ईपीएस कैसे निकाला जाता है, पिछली बार ही हमने इस एनालिसिस को देखा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, उसमें सबसे पहले हमें क्या डिडक्ट करना होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देन टैक्सेस, और फिर जो बचती है राशि उसमें से पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, और फिर लास्ट में अर्निंग पर शेयर आता है जो कोई निश्चित दर से दिया जाए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यानी इसकी दर निश्चित नहीं होती कि लाभांश, जैसे पूर्वाधिकार अंशों के लिए लाभांश फिक्स होता है कि भाई 7% या 8% पर दिया जाएगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स पर भी इंटरेस्ट फिक्स होता है। समतांशधारियों के लिए ऐसे कोई लाभांश की निश्चित दर नहीं होती, इसलिए ये कहा जाता है कि समतांशधारियों के लिए लाभांश की अनिश्चितता रहती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर वर्ष उनको उनके अंशों पर कोई आय दी जाए, हो सकता है कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी में समस्त लाभों को या संपूर्ण डिविडेंड को वह अपने रिजर्व्स और सरप्लस में डाल दे अपनी इंटरनल फाइनेंसिंग के पर्पज से, तो भी समतांशधारी कोई क्लेम नहीं कर सकते। पूंजी की वापसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, जैसा कि आपने कंसेप्ट में भी देख लिया, इन अंशधारियों को पूंजी की वापसी की भी कोई निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। क्यों? वही वाली बात, पहला अधिकार किसका होता है, ऋण पत्रधारियों का अपनी पूंजी की वापसी का, फिर अधिमान अंशधारियों का, और फिर यदि कोई बचता है तो समतांशधारियों को दिया जाता है जो जरूरी नहीं उनके अंशों के हिसाब से उनको मिले, यानी उस रेशो में उनका मिलना, पूंजी की वापसी होना या रिडम्पशन होना आवश्यक नहीं होता। संपत्तियों पर अधिकार, राइट ऑन एसेट्स, संपत्ति पर अधिकार, वही वाली बात है जो पहले भी आपने समझी है कि संपत्ति पर भी इनका अधिकार अंतिम है, लास्ट राइट है। यानी लास्ट राइट का मतलब यही हुआ कि इन सभी जो भी संपत्तियां इस स्थाई पूंजी के द्वारा खरीदी गई हैं, यानी समता पूंजी और ऋण पूंजी के द्वारा जो भी स्थाई संपत्तियां खरीदी गई हैं, एसेट्स ली गई हैं संस्था को चलाने के लिए, उन संपत्तियों पर भी अंतिम अधिकार समतांशों का होता है, पहला अधिकार ऋण पत्रधारी और दूसरा अधिमान अंशों का। व्यवसाय पर नियंत्रण, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है समतांशधारियों का, क्योंकि ये कंपनी के स्वामी हैं, ऑनर्स हैं, और ऑनर्स होने के कारण या समतांशधारी स्वामी होने की वजह से व्यवसाय पर, प्रबंध पर संपूर्ण अधिकार रखते हैं। इनके इस नियंत्रण के कार्य को सभी समतांशधारी अपने संचालक मंडल के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हैंडल करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो डिवेंचर होल्डर कर सकते हैं, न ही पूर्वाधिकार अंशधारी कर सकते हैं। तो यानी नियंत्रण का संपूर्ण राइट जो है, कंप्लीट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मताधिकार, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट इनको ही दिया जाता है, दोनों अंश मतलब ऋण पत्रधारी और इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। इनके लिए भी यही होता है, एक अंश और एक वोट, वन वोट वन शेयर, इस आधार पर इनको मताधिकार दिया जाता है, और उस मत के आधार पर सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अब आते हैं हम पूर्वाधिकार अंश पर, प्रेफरेंस शेयर्स। ये निगम प्रतिभूतियों का दूसरा हिस्सा है या दूसरा टाइप है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। पूर्वाधिकार अंश से आशय उन अंशों से है जिन्हें एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का
समता अंशों की तुलना में प्राथमिक अधिकार होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ए प्रिफरेंस शेयर इज द शेयर विच कैरीज प्रिफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट आइदर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एंड टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंसेप्ट समझ में आ ही गया, शुरू से पढ़ रहे हो इन प्रतिभूतियों के बारे में तो कंसेप्ट आपको वैसे भी क्लियर है। नाम से भी है कि प्रेफरेंस दिया जाता है, ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी के स्वामी नहीं हैं लेकिन पूर्वाधिकार रखते हैं। किसमें पूर्वाधिकार रखते हैं? जैसे ही कंपनी आय अर्जित करती है, जो भी रेट ऑफ रिटर्न कंपनी के द्वारा ली जाती है उस रेट ऑफ रिटर्न में इसमें से इनको एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड दे आर गेटिंग। दूसरी बात, कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का भी इनको प्राथमिक अधिकार होता है और इसलिए इनको पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश भी कहा जाता है। यह आपको सभी को पता है, इसका दूसरा वर्जन है, दूसरा जो नाम है वो अधिमान अंश भी है, जो कई किताबों में आपको मिलेगा। तो इंग्लिश में क्लियर रखिए, याद रखिए प्रेफरेंस शेयर्स हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो पूर्वाधिकार अंश और अधिमान अंश कौन से हैं? जिन्हें लाभांश में और संपत्ति में समता अंशधारियों से पहले अधिकार प्राप्त होता है, प्रायर इनको वो राइट मिलता है, इसलिए ये पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इनके भी फीचर्स देख लेते हैं, हालांकि आप वैसे ही कंसेप्ट में समझ ही चुके हैं। लाभांश पर प्रथम अधिकार, फर्स्ट राइट ऑन डिविडेंड। ईबीआईटी में फर्स्ट तो क्या हम डिडक्ट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, फिर उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, और जो वो बचता है अमाउंट अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट, वो जो अमाउंट है वो लाभांश कहलाता है। और उस लाभांश पर समतांशधारियों से पहले पूर्वाधिकारंशधारियों का अधिकार होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। तो इसलिए इनको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं क्योंकि लाभांश पर का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? डिविडेंड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस समय सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनकी रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से, यानी जो फिक्स रेट है लाभांश की उनके लिए, उस दर से उनको लाभांश का पहला राइट दिया जाता है और अंतिम भाग जो बचता है वो उनके लिए समतांशधारियों के लिए होता है। संपत्ति पर अधिकार, राइट ऑन एसेट्स, वही क्लियर है। संपत्ति पर भी इनका समतांशधारियों से पहले अधिकार होता है, वो सारी स्थायी संपत्तियां जो इन्हीं निगम प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त धन से या फंड से प्राप्त की गई हैं, उन संपत्तियों पर प्रथम अधिकार पूर्वाधिकार अंशों का होता है। नियंत्रण का अधिकार नहीं, नो राइट ऑफ कंट्रोल। वेरी क्लियर कि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के स्वामी नहीं है, यानी ओनर्स नहीं है, और स्वामी पूंजी के रूप में ये अंशों को नहीं क्रय करते, इसलिए इनका प्रबंध के नियंत्रण पर या प्रबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता। इनको जब कभी भी कोई इनके लिए प्रोविजन रखे जाते हैं कि जब कभी भी इन्हें अपने कोई अधिकारों की बात करनी होती है तो उस टाइम ये वोटिंग राइट रखते हैं, अदरवाइज इनको सामान्य मताधिकार भी नहीं दिया जाता। नियंत्रण में हस्तक्षेप भी ये नहीं कर सकते, प्रबंध में किसी प्रकार की कोई भागीदारी या पार्टिसिपेशन भी इनका नहीं होता। कुल मिलाकर ये एक दायित्व के रूप में टैकल किए जाते हैं और उस आधार पर इनको नियंत्रण में या प्रबंध में किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती। मिश्रित प्रतिभूति, हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है इन पूर्वाधिकार अंशों को, क्योंकि आप इनकी विशेषताओं के आधार पर ये देख सकते हैं कि कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक समतांशधारियों की है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी डिवेंचर होल्डर्स की तरह है, यानी ये दोनों का मिक्स है, इसलिए इनको हाइब्रिड कहा जाता है, मिश्रित प्रतिभूति। देखिए, इक्विटी शेयर्स के रूप में इनको लाभांश दिया जाता है, संपत्ति पर अधिकार दिया जाता है, लेकिन ये सब इनको कैसे दिया जाता है? ऋण पत्रों के बाद में, पहले नहीं दिया जाता, इसलिए ये समतांशधारियों की तरह इन दोनों पर अधिकार रखते हैं, लेकिन
इनका अधिकार ऋण पत्रधारियों के बाद में या डिबेंचर्स के बाद में होता है, और डिबेंचर्स की तरह इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सॉरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। समापन पर संतानधारियों से पहले इनको लाभ संपत्ति पर अधिकार या संपत्ति की वापसी या पूंजी की वापसी की जाती है, इसलिए इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी दोनों के ही लाभ मिला दिए जाते हैं। ये अंश के रूप में सभी प्रकार की विशेषताएं रखते हैं और पूर्वाधिकार इनको लाभांश और पूंजी की वापसी या रिफंड ऑफ कैपिटल या जिसको हम कहते हैं शोधन, पूंजी का शोधन या रिडम्पशन ऑफ कैपिटल में इनको पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस मिलता है। इनके टाइप्स बहुत सारे हैं, बहुत इजी हैं, जिनको आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे पूर्वाधिकार अंश संचयी, असंचयी, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, शोध्य, अशोध्य, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। ये बहुत सामान्य से हैं कि पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बहुत सारे टाइप्स हैं और जो आज भी इनके कई प्रकार के रूप देखने में आते हैं। इन अंशधारियों के लिए विशेष बात जो यह है वो ये है कि इनको डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इनको इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यदि कंपनी को कोई आय अर्जित नहीं हुई है या कोई रिटर्न नहीं मिला है या कोई अर्निंग्स नहीं हुई है तो इनके लाभांश को आगे डेफर किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, तो उसको संचयी कहा जाएगा। शोध्य या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको कि कंपनी अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद या अपनी लाइफ टाइम में अपने एक सर्टेन पीरियड के बाद में रिडीम करती है या जिनका शोधन किया जा सकता है। लेकिन अशोध्य कौन से हैं? जिनका रिडम्पशन कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं करती, बिल्कुल समता अंशधारियों की तरह ही उनको कंपनी के समापन पर ही जिनकी पूंजी की वापसी की जाती है। तो इस तरह से कई प्रकार के होते हैं और इन पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए ये माना जाता है कि ये सबसे सुरक्षित हैं। देखिए, हम इन्वेस्टर्स को तीन पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे अलर्ट कौन है? अलर्ट वो हैं जो कि समता अंशधारी के रूप में माने जाते हैं, जो इक्विटी शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलर्ट क्यों माने जाते हैं, या कहना चाहिए कि बहुत ही चुस्त क्यों माने जाते हैं? वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वे हमेशा बाजार पर नज़र रखते हैं और अपने अंशों के मूल्यों पर लाभ को देखते रहते हैं और उस आधार पर उनके अंशों का ट्रांसफ़र चलता रहता है या सेलिंग बाइंग चलता है। फिर हैं आपके मस्त इन्वेस्टर्स, यानी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि जो बहुत मस्त नेचर के हैं, यानी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस उन्हें इन्वेस्टमेंट करके वो इस कंपनी में अपना रोल रखते हैं, पूंजी विनियोजित करते हैं, तो उनको एक निश्चित दर से लाभांश मिलता रहता है, उस आधार पर ही वो एंजॉय करते हैं। तीसरे तरह के होते हैं सुस्त, लेजी। लेजी कौन से हैं? जो कि ऋण पत्रधारी हैं। डिबेंचर होल्डर्स के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई विशेष प्रकार का अपना कोई इम्पॉर्टेंट कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। उन्हें एक निश्चित दर से ऋण पर ब्याज मिलता रहे, बस वो उसी में अपने आप को ठीक समझते हैं। तो तीन तरह के इन्वेस्टर्स हमने लिए, सुस्त यानी लेजी, मस्त यानी पूर्वाधिकार अंश, और कहना चाहिए चुस्त यानी अलर्ट वो हैं जो समता अंशधारी हैं। तो इन तीनों प्रकार के अंशधारियों के हिसाब से, इन तीनों प्रकार के इन्वेस्टर्स के हिसाब से इन प्रतिभूतियों को देखा जाता है। तो समता अंशधारी जोखिम पूंजी है, रिस्की पूंजी के रूप में मानी जाती है, इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हमेशा अपने अंशों के रिटर्न पर या अर्निंग्स पर या डिविडेंड पर ध्यान देते हैं, इसलिए वो कंपनी को बहुत अच्छा चलाने के लिए, कंपनी को बहुत अच्छा प्रोग्रेस के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं, उसके लाभों को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, प्रबंध में पूरा हिस्सा लेते हैं, पूरा नियंत्रण रखते हैं और स्वामी होने के नाते अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हैं। दोनों में अंतर भी आप बहुत सिंपल से हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा।
उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में जनरली डिफरेंस पूछ लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अंतर होता है समता और आपके ऋण पत्रों में अंतर, जिसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।